नारायण नारायण फ्रेंड्स, आज हम कटिंग करेंगे अनारकली फ्रॉक सूट की 24 कलियां। इसके लिए मैंने 3 मीटर अस्तर लिया है और 4 मीटर कपड़ा लिया है। पहले हमें चोली की कटिंग करना है। चोली की कटिंग करने के लिए मैंने अस्तर को 4 फोल्ड करके रख लिया है। ये देखिए, इस तरीके से चोली की कटिंग करने के लिए अस्तर को 4 फोल्ड करके रखना है। आपको अपने साइज के हिसाब से मार्क लगाकर कटिंग करना है। पहले यहाँ से हम कपड़े को कटिंग करके सीधा करेंगे। अब शोल्डर की चौड़ाई 14 इंच है, 14 का आधा करेंगे 7 इंच, तो शोल्डर की चौड़ाई का मार्क 7 इंच पर लगाना है और गले की चौड़ाई रखनी है 3 इंच। आर्मोल की लंबाई का साइज 7.5 इंच पर लगाना है। लंबाई चोली की 15 इंच है, तो इसमें 1 इंच मार्जिन रखना है, 16 इंच पर मार्क करना है। यहाँ पर भी 16 इंच पर मार्क करना है। पीछे के पार्ट की गले की गहराई 2 इंच रखना है। आगे के पार्ट की गले की लंबाई 8 इंच रखना है। नीचे साइड भी गले की चौड़ाई 3 इंच रखना है। अब यहाँ से सीधी लाइन को मिलाना है। आगे से गले का शेप 5 शेप में रखना है। पीछे के पार्ट के लिए भी गले का शेप लगाना है। ऊपर शोल्डर की चौड़ाई रखी है हमने 7 इंच, तो नीचे भी हमें यहाँ पर 7 इंच ही रखना है। अब इस कोने से इंची टेप को मिला के रखना है हमें और आर्महोल का मार्क हमें 1.5 इंच पर लगाना है। सीना 35 इंच है, 35 का चौथा भाग 0.25 इंच और 1/2 इंच रखा मैंने इसमें मार्जिन। आप अपने हिसाब से मार्जिन कम ज़्यादा रख सकते हैं। कमर 32 इंच है, 32 का चौथा 8 इंच और 1/2 इंच रखना है यहाँ पर मार्जिन। अब इस तरीके से यहाँ पर लाइन को मिला देना है। अब यहाँ पर हमें मार्क करना है 1 इंच पर और यहाँ से इस तरीके से शेप लगाना है। अब यहाँ से आर्मोल का शेप लगाना है। ये देखिए, यहाँ पर जो मैन फिटिंग वाला मार्क, यहाँ से क्रॉस करते हुए हमें 1/2 इंच नीचे डाउन करके मार्क लगाना है। अब इसी मार्क से हमें कटिंग करना है। अभी हमें आगे वाले पार्ट की गले की कटिंग नहीं करना, बस पीछे के पार्ट की गले का शेप का कटिंग करेंगे और पीछे के पार्ट को हम हटाकर अलग कर देंगे। अब हमें वापस कपड़े को उसी तरीके से फोल्ड करके रखना है और यहाँ पर हमें मार्क लगाना है आगे वाले पार्ट के आर्म होल का। तो आगे के पार्ट में आर्म होल की यहाँ से चौड़ाई रखनी है हमें 6.5 इंच और लंबाई रखनी है 7 इंच। ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ पर हमें इस तरीके से लाइन को मिलाना है। अब इस कोने से इंची टेप को रखना है, आर्म होल गोलाई लगानी है 1 इंच पर और यहाँ से इसी वाले मार्क से मिला देना है। ये देखिए इस तरीके से। अब इसी मार्क से कटिंग करना है, आगे का जो हमने मार्क लगाया है आगे के पार्ट के लिए उसी मार्क से कटिंग करना है। अब यहाँ पर हमें शोल्डर में आर्म होल की साइड 0.25 इंच पर मार्क करना है और इस तरीके से इंची टेप को रखकर यहाँ से हमें इसकी कटिंग कर देना है। पीछे के पार्ट में भी हमें कटिंग करना है आर्म होल की साइड से। ये देखिए, यहाँ पर करना है 1/2 इंच पर और इस तरीके से हमें मार्क करके इसकी कटिंग कर देना है। चोली की कटिंग हो गई है, अब हमें घेर की कटिंग करना है। घेर की कटिंग करने के लिए हमें कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके रखना है। घेर को हम अम्ब्रेला शेप में कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें फोल्ड करके रखना है पहले, फिर इस साइड से एक कोने को उठाकर इस तरीके से रखना है। ये देखिए, कपड़े को हमने 4 फोल्ड कर लिया। अब यहाँ पर हमें कमर का साइज लगाना है। कमर 32 इंच है, तो 32 का चौथा भाग यहाँ पर हमें 8 इंच लगाना है। पहले हमें क्या करना है, ऊपर से इंची टेप को रखना है और लंबाई में 10 इंच पर मार्क करना है। ये देखिए इस तरीके से। अब इन मार्क को हमें एक साथ मिला देना है। अब यहाँ से हमें कमर की चौड़ाई चाहिए 4 फोल्ड कपड़े की 8 इंच। कटिंग के बाद कपड़ा यहाँ से ओरे भी हो जाता है, तो इसके लिए हमने
कमर की चौड़ाई 7.5 इंच रखी, ये बढ़ जाएगा। अब हमें लंबाई का साइड लगाना है। लंबाई हमारे पूरे सूट की 45 इंच है। ऊपर लगाएंगे हम इसमें 15 इंच की चोली, तो हमने इंची टेप को 15 इंच ऊपर निकाल के रख लिया है और लंबाई का मार्क लगा रहे हैं हम अस्तर में 1 इंच कम करके 44 इंच पर। अब इस मार्क से इंची टेप को रखकर लंबाई को नाप के देख लेना है, ये आ रही है 29 इंच। तो हमें यहाँ पर पूरे ही घेरे में इस तरीके से इंची टेप को रखकर 29 इंच पर मार्क करना है। अब इन मार्क को हमें एक साथ मिला देना है। अब इसी मार्क से हमें कटिंग करना है। अब यहां से भी हम कटिंग करेंगे। अस्तर की कटिंग करने के बाद अब हम मेन कपड़े की कटिंग करेंगे। मेन कपड़े को हमने 4 फोल्ड करके रखना है। पहले हम चोली की कटिंग करेंगे, तो जो हमने अस्तर की कटिंग की थी उसी अस्तर को रखकर हमें मेन कपड़े की भी कटिंग करना है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करना है। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए भी कपड़े को 4 फोल्ड करके रखना है। स्लीव्स की लंबाई 23 इंच है, 1 इंच रखना है मार्जिन, 24 इंच पर मार्क करना है लंबाई में। फुल स्लीव्स के लिए हमें इंची टेप को 4 इंच बाहर निकाल के रखना है, जितनी भी लंबाई उसमें से 4 इंच कम करना है और चौड़ाई रखी है हमने 9 इंच। यहाँ पर 2 इंच मार्जिन पर मार्क करना है और इस तरीके से इंची टेप को रखना है मार्जिन वाले मार्क से मिलाकर और तिरछी शेप में मार्क करना है। अब यहाँ से हमें इसका बीच का सेंटर निकालना है और यहाँ से मार्क करना है 2 इंच पर। अब यहाँ पर मार्क करना है 2 पॉइंट पर और ऊपर से मार्क करना है हमें 1 इंच 1/4 इंच तक सीधा रखना है और यहाँ से इस तरीके से हमें स्लीव्स का शेप लगाना है। नीचे साइड से स्लीव्स की चौड़ाई 4 इंच है, 2 इंच रखना है मार्जिन, 6 इंच पर मार्क करके इस तरीके से तिरछी शेप में मार्क करना है। अब इसी मार्क से हमें कटिंग करना है। यहाँ पर कोने में हम छोटा सा कट्स बनाएंगे और यहाँ से भी हमें कटिंग करना है। अब हम स्लीव्स में आगे के पार्ट के लिए 2 पार्ट उठाकर 1/2 इंच गहराई देंगे। अब हमें घेर की कटिंग करना है। मेन कपड़े की घेर की कटिंग हम कली में करेंगे। कली में कटिंग करने के लिए कपड़े को हमने इस तरीके से फोल्ड करके रख लिया है, ये हमने 12 बार फोल्ड करके रखा है। अब हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये 24 बार फोल्ड हो जाएगा। इसको हमने 24 बार फोल्ड कर लिया है, इसमें से निकलेंगी 24 कली। पहले हमें लंबाई का साइड लगाना है। लंबाई हमारी सूट की 45 इंच है, तो इंची टेप को हमने 15 इंच बाहर निकाल के रख लिया है क्योंकि इसमें ऊपर हमने 15 इंच की चोली लगाई है और लंबाई में 2 इंच रखा है हमने मार्जिन, 47 इंच पर मार्क करना है। अब हमें कली में कमर का साइड लगाना है। कमर 32 इंच है, इसमें से 24 कली निकलेंगी। अब हम 32 को 24 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 इंच और 4 पॉइंट। अब कली को ज्वाइंट करने के लिए हमें 1/2 1/2 इंच मार्जिन और चाहिए दोनों साइड, तो इसमें 1 इंच मार्जिन ऐड करेंगे तो कली की चौड़ाई हो जाएगी 2.5 इंच। अब 2.5 इंच कली की चौड़ाई है, कली रखी है हमारी 4x, तो हम इस 2.5 इंच को आधा करेंगे। आधा करेंगे तो ये आएगा 1/4 इंच, तो 1/4 इंच पर मार्क हमें इस साइड करना है और 1/4 इंच पर मार्क हमें इस साइड करना है। अब यहाँ से हमें इंची टेप को इस तरीके से रखना है दोनों मार्क से मिलाकर और यहाँ पर हमें मार्क करना है, ये देखिए इस तरीके से। अब इसी मार्क से हमें कटिंग करना है। ये देखिए कली को हमने, अब ये फोल्ड थी हमने इसको खोल लिया है और ये देखिए कमर के यहाँ से कली की चौड़ाई ये आ गई है 2.5 इंच, ये देखिए। अब हमें ये देखिए इंची टेप से कली की लंबाई को बीच में नापना है और ये देखिए साइड में भी नापना है, तो साइड में इसकी लंबाई बढ़ रही है, जितनी बीच में है उतनी ही साइड में आने चाहिए, 1/2 इंच बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम मार्क करके इसकी इस तरीके से कटिंग करेंगे तिरछी शेप में, ये देखिए ये हमारी 12 कली है और ये है 12 कली। इसमें भी हमें इसी तरीके से 1/2 इंच दोनों साइड से तिरछी शेप में कटिंग करना है।
कली की लंबाई साइड से और बीच में बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करके आल का ऑप्शन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नारायण नारायण। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट।